हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमज ने कहा कि संयोगसर जंगल में स्थित सभी शाखाओं में पानी की धारा को प्रवाहित करने का काम किया जाएगा। ये जंगल करीब 11,000 एकड़ में फैला हुआ है और इस जंगल में कुछ प्राकृतिक नदियां चलती हैं। अब इन नदियों को सरस्वती चैनल के पानी से सींचा जाएगा ताकि संयोगसर जंगल के पशु पक्षियों को बरसाती सीजन के बाद भी पानी मिल सके। धुमन सिंह किरमज सरस्वती संयोगसर जंगल का दौरा करने के दौरान बातचीत कर रहे थे। इससे पहले धुमन सिंह किरमज ने अधिकारियों के साथ मिलकर संयोगसर जंगल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संयोगसर जंगल में स्थित नदियों की शाखाएं स्थोड़ा के नाम से संतपुरा, मांगना, बीड़, बोसान, पहाड़पुर आदि, जो कि लगभग 22-23 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है, इन शाखाओं में छोटे छोटे तालाब बनाकर बरसाती पानी को रोका जाएगा ताकि वह पानी लंबे समय तक रुका रहे। बरसात के मौसम के उपरांत जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए पानी की काफी कमी हो जाती है। पिहोवा से आगे सरस्वती चैनल में काफी पानी आता है। इस पानी का इस्तेमाल जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के पीने और जंगल को हरा भरा रखने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरस्वती की इन शाखाओं में पानी पहुंचाने के साथ साथ इन शाखाओं के तटों पर छोटी छोटी नए पौधों की फलदार नर्सरियां तैयार की जाए ताकि जंगल में फलदार पौधे लगाए जा सके और पौधों पर लगने वाले फलों से जंगल के पशु पक्षी अपना पेट भर सके। इस योजना को लेकर काफी समय से काम किया जा रहा था। इस योजना के क्रियान्वयन होने से न केवल पशु पक्षियों को फायदा होगा बल्कि जंगल की हरियाली भी बढ़ेगी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस जंगल में सफारी चलाने की योजना पर भी आगे बढ़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि इस जंगल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए ताकि पर्यटक इस जंगल की तरफ आकर्षित हो सके। जंगल की नदियों की शाखाओं में पानी आने से किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि पानी को रोकने से व्यर्थ में बहने वाला पानी रिचार्जिंग के माध्यम से भूजल में जाएगा और इससे ड्राई एरिया को भी कम किया जा सकेगा। इस मौके पर सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के एससी अरविंद कौशिक, सलाहकार जीएस गौतम, रिसर्च अधिकारी डॉक्टर दीपा, फॉरेस्ट रेंजर अजय कुमार नैन सहित राजस्व विभाग के पटवारी आदि मौजूद थे। आज हम सरस्वती जंगल, जो सोनसर जंगल है, 11,000 एकड़ में है, यहाँ पर हम पूरी टीम, यहाँ पर अरविंद कौशिक जी, हमारे रविंदर जी, गौतम जी, सारी टीम यहाँ पर इस में देखने के लिए आज आई है। हमारा उद्देश्य है इस सीजन में जो जितनी भी क्रीक, जितनी भी नाले और नदियां इसके आसपास चलते हैं, उन सबको चलाने की हमारी योजना है ताकि उन सब में पानी डालने के बाद इस क्षेत्र के जो बंदर हैं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब का यहाँ पर पानी मिल सके, पौधों को पानी मिल सके, ऐसी योजना पर आज हमने यहाँ पर विजिट किया है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।